अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अध्यादेश को रिप्लेस करने के लिए जो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2019 लाया, उसका समर्थन करने में आज खड़ा। सरकार ने इकोनॉमी सुधार में एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उसको मिलने वाला समर्थन, ये एक तरह से देश में नए रोजगार का उत्पत्ति का एक साधन बनेगा। और मुझे लगता है सरकार का ये कदम, जो रोजगार के बढ़ावे में जो सरकार की नीति है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है, माननीय वित्त मंत्री ने जिस तरह से अमेरिका और चाइना में ट्रेड वॉर शुरू है, ऐसे समय में इस देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़े और आने वाला इन्वेस्टमेंट के कारण देश में उद्योग बढ़े और ये उद्योगों के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नए रोजगार का निर्माण हो, उस हेतु से लाया गया यह बिल है। सरकार के इस बिल का हम समर्थन करते, सरकार की प्रतिबद्धता है कि ये कॉरपोरेट टैक्स रिड्यूस करने के कारण नए निवेशकर्ता इस देश में आएंगे और आने वाला हर निवेशकर्ता बट नेचुरल है कि देश में रोजगार लाएगा। मेरे कई पूर्व वक्ताओं ने सरकार की अन्य नीतियों के प्रति अपनी बातें रखी, लेकिन मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि नोटबंदी के कारण या जीएसटी के कारण जिस तरह की बातें उन्होंने कही है, उसके कोई प्रमाण माप है या अपने ही तर्क यहां पे प्रस्तुत किए गए? जीएसटी के पूर्व जिस तरह की टैक्सेशन सिस्टम पूरे देश में थी, आप सभी जानते हैं कि चुंगी नाकों पे जिस तरह से लोगों को, उद्योग धंधे वालों को परेशानी होती थी, ये सब जानते हैं कि इस तरह के ऑक्ट्रॉय से लगा के, सर्विस टैक्स से लगा के, सारे वैट से लगा के, सारे टैक्स को खत्म करके एक वन नेशन वन टैक्स के तहत इस सरकार ने जीएसटी लाया, जिसका इस सदन में बहुतांश सदस्यों ने स्वागत किया था और जिसके कारण आज देश में अलग तरीके का माहौल बना है। और इस नए माहौल के तरफ जब हम जा रहे हैं तो उसके स्वागत और उसके स्वागत के प्रमाण में उद्योग जगत के लोग खड़े हैं। अब यहाँ पे किसी एक उद्योजक का नाम लेके बहुत बड़ी बातें की गई कि उस उद्योजक का ये कहना है, वो कहना है। हमारी सरकार है ये छोटे आदमी के प्रति समर्पित है और छोटे आदमी के लिए काम करने वाली सरकार है। जो खेत में काम करता है किसान, जो रिक्शा वाला है, जो ठेले वाला है, उनके रोजगार के और उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखने वाली सरकार, ये मोदी जी की सरकार है। और ये समझना चाहिए इन लोगों को कि यहाँ पर जब हम सदन में बात करते हैं तो एकाधे किसी उद्योजक ने कोई बात कह दी, उसको प्रमाण बना के बात नहीं करते। उन्होंने भी अपनी बात रखने का मौका रखा है, उनको भी अपनी बात करने का मौका मिलेगा और उनकी बातों के भी जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और वित्त मंत्री जी सही समय पे उनके साथ बात करेंगे। ये सरकार सबकी सुनवाई करती है, लेकिन जब छोटे आदमी की सुनवाई की बारी आती है तो उसको ये सरकार ने अग्रक्रम देने का वादा किया है, जो अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में वादा किया है, उसके कारण ही मोदी सरकार को भारी बहुमत से देश की जनता ने दूसरी बार इस सदन में चुन के भेजा है। ये भी यहाँ पे याद रखना चाहिए। सरकार ने सेक्शन 115 BAB के अंतर्गत उन घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को जिस तरह से राहत देने का वादा किया है, वो 1 नवंबर 2019 के बाद और 2023 के पहले जो प्रोडक्शन करेगा उनको ये राहत मिलेगी। ये भी हमारे मित्रों को याद रखना चाहिए कि ये बिल का हेतु 1 नवंबर 2019 के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगनी है और 2023 के पहले जिसका मैन्युफैक्चर होना है, उनको इसमें राहत देने की बात की गई है। एक तरफ हम बात करते हैं कि कॉरपोरेट को बहुत ज्यादा इसके अंदर छूट दी गई है और दूसरी तरफ हम कॉरपोरेट की वकीली यहाँ पे करते हैं, ये दोनों बातें सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे एक या दो छोटे सजेशन है जो अन्य सदस्यों ने भी किए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के भारत के जीएसटी में 24% का योगदान है और जिनके मुकाबले सर्विस सेक्टर का योगदान 57% है, तो आने वाले दिनों में इस तरह के सर्विस सेक्टर को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए ताकि नया निवेश जो है वो इन क्षेत्रों में भी आए, जहां जिस क्षेत्र के अंदर होटल इंडस्ट्री से लगा के अलग अलग सर्विस सेक्टर, मैं मुंबई से आता हूं कि जिसमें फिल्म प्रोडक्शन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के भी सेक्टर है, जिनको भी अगर इसकी राहत मिले तो निश्चित ही इस क्षेत्रों में भी निवेश और रोजगार का योगदान बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इन सभी के अंदर एक और जो प्रावधान है कि लोअर कॉरपोरेट टैक्स का जो विकल्प है, जिसके लेने के कारण मैट स्वयं समाप्त हो जाता है, इसके कारण मैन्युफैक्चर थोड़ा कम आकर्षित हो गए, तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि शुरुआती दिनों में मैट क्रेडिट नहीं मिल पाएगा जिसकी सभी को अपेक्षा रहती थी। कृपया समाप्त कीजिए।
ये अध्यादेश लागू होने के बाद सरकार ने उस पर भी अपना विचार करना चाहिए और इसका रिव्यू करते रहना चाहिए बार बार, सेकेंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में कितनी नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई है, जिसके कारण ये मोदी जी की जो पहल है, जो वित्त मंत्री ने इस देश के सामने रखा है, एनके प्रेमचंद्रन जी, फायदा हुआ है ये हमें पता चले। धन्यवाद।